फिर से न्यू देख रहे हैं सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल दोस्तों, मैं गुरजीत सिंह ऑक्स। दोस्तों जी इस समय आप जिक्र कर लिए यूके का तो या यूएस का जिक्र कर लिए तो काफ़ी स्टूडेंट एक दुविधा के पाए हुए हैं, सो दुविधा अच्छे जरूर दूर करेंगे। सो आज साढ़े नाल लंबे समय का जिन्हों के को तजर्बा है वो भी यूके और यूएसए के नाल जुड़े हुए हैं, सो उन्होंने नाल आप कोशिश करेंगे भी जो डाउट्स है जिमें हूँ जनवरी इनटेक में लैके काफ़ी कुछ है, किसी को नवंबर इनटेक भी अजे चली जाता, सो सारिया गलों बात आप शो के करेंगे जी। साडा लाइव शो हों जी, तुम अज जी साडे गैसट ने आए दे हरविंदरपाल जी रॉयल्स ट्रैवल तो, सो उन्होंने नाल तुसी अपना राबता कायम कर सकते हो। मोबाइल नंबर हैगा जी 9216 9216 दे नाल ही आप अरविंदर जी को सदा देने। अरविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सिंह साहब और सारे दर्शकों प्यार भरी सत श्रीकाल। सो अरविंदर जी जे गल करिए तो अज इन्हों 23-24 साल हो गए हैं इंडस्ट्री के, सो लम्मा तजर्बा है तो सारी कोशिश होंगी भी जेडे बंदे को चंगी सलाह आप लै सकते हैं चाहे चंगा ज्ञान है वो आप जरूर हासिल करिए, वो भी खास करके स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट अजक जिमें मैं पहला भी जिक्र किया भी काफ़ी झमेले के फसे हुए हैं जो यूके जाना चाहते हैं, वो कोई कहता जी साढ़े तो नवंबर इनटेक चली जाता, कोई कहता जी जनवरी तक, कोई कहता भी साडा जनवरी भी फुल हो गया तो तुम अगले इनटेक लिए गल करो। सो सारिया चीज़ों से जो स्टूडेंट वारी वारी शो देखता कंसल्ट देखता तो विश्वास करना औखा हो जाता, सो इस करके आप अरविंदर जी सदा दिता। सो रविंदर जी जिवें आप जिक्र किया इस समय ट्रेंड का, सो ट्रेंड चल की रहा, स्टूडेंट किहड़े पासे जाण, किहड़ी गल दा ध्यान रखण, कि दुविधा जी दे विच फसे होए? नहीं, बेसिकली बहुत क्लैरिटी है, असल च स्टूडेंट्स जिहड़े नवे आउणगे जदों आउणगे उदों उन्हां नूं उही बुक के मिलेगा, बिकॉज जदों जनवरी इनटेक ओपन आ तुसीं इमीडिएटली अप्लाई कीता जां एक हफ्ता पहलां कीता तुहाडी एक हफ्ते च ऑफर आ रही है। सो हाले अगर जनवरी ओपन नहीं हुई तुसीं महीना पहलां अप्लाई कीता तुहाडी महीना ऑफर डिले आ। सो यूके दे विच गां दी गां सख्ती है, यूके दे विच तुहानूं बहुत लंबे समय तो आगाह करदे आ रहे हैं कि यूके सितंबर तक बिना आइलट्स तो पॉसीबल सी, नवंबर दे विच भी थोड़ा बहुत एप्लीकेशनस दा सीगा किते किते निकल सकदियां ने, जनवरी विच इहदा जिहड़ा दरोमदार बहुत घट जाएगा। सो एप्लीकेशनस जिहड़ियां जिहड़ियां विदाउट आइलट्स निकलन दी जिहड़ी प्रोबेबिलिटी मसा 5% रह जाएगी, स्टिल उहदे नाल तुहानूं क्यू विच लगे रहना पऊगा, वेट ज़्यादा करना पऊगा, सो पॉसीबिलिटीज सब तरह दी ने, बट आफ्टर ऑल स्टूडेंट की कम्युनीकेशन जरूर मैटर करेगी। आने वाले समय के स्टूडेंट्स का इंटरव्यूज तो बिना जो वीज़ा होना वह भी टफ हो जाएगा। सो हाले जैन हैगी है, सो जैन के कई यूनिवर्सिटीज़ के जनवरी सितंबर तो बाद इमीडिएट इनटेक सी, उन्हां यूनिवर्सिटीज़ की इनटेक फुल हो चुकी है, सो जिहड़ियां लगभग अद्धियां यूनिवर्सिटीज़ की जैन इनटेक क्लोज हो चुकी है। हुण कई यूनिवर्सिटीज़ की हाले जैन इनटेक ओपन नहीं हुई, सो तुहाडियां एप्लीकेशनस पईआं ने क्यू दे विच लगियां ने और तुसीं वेखो नैक्सट वीक तो यह शुरू हो जाणियां ने। सो राइट नो अगर यूके लिए अप्लाई करना कर सकते हो, उहदे लई जनवरी पॉसीबल होएगा, और अगर असीं यही फैसला अगर असीं नैक्सट एपीसोड आउण तक कर रहे हैं फिर जनवरी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। कैनेडा दे विच जनवरी ऑलमोस्ट क्लोज़ है, कुछ कॉलेजेस दा मई भी क्लोज़ हो गया है, सो मई 23 भी क्लोज़ है बहुत सारे कॉलेजेस दा, पब्लिक पब्लिक जिहड़े कॉलेजेस ने, सो जनवरी ऑलमोस्ट फिनिश है, बट स्टिल कुछ कॉलेजेस हैगे जिन्हां च हाले जैन ओपन है, सो उहदे विच तुहानूं मनपसंद दा प्रोग्राम तो नहीं मिल सकता, सो तो हो सकता तुहाडी मनपसंद दी लोकेशन भी ना मिले, बट कुछ ऑड एप्लीकेशन जिहड़ियां जैन इनटेक जा सकदियां ने, बट मेजोरिटी कैनेडा लई क्लोज़ हो चुका है। सो इस समय च अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहा चाहे असीं अक्तूबर दे विच बैठे हाँ, वह स्टूडेंट इस समय जिहड़ा अप्लाई कर रहा वो मई 23 लई कर रहा है, सो ख्याल च रखना अगर तुसीं कैनेडा अज भी अप्लाई कर सकते हो बहुत घट चांसिज ने कि तुसीं जैन दे विच निकल पाओगे। सो साढ़े कोल कुछ कॉलेजेस है जिहदे विच कि असीं प्लेस कर सकते हैं, बट तकरीबन अंडर ग्रैजुएट्स लई आ, मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स उहदे च जाना इस टाइम मुश्किल नहीं आ। सो यूके दे विच उल्टा आ, यूके च मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स दीआं एप्लीकेशनस दी जिहड़ी असैप्टेंस आ उह ज़्यादा है, जर्मनी दे विच मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स दी असैप्टेंस ज़्यादा है, कैनेडा दे विच जिहड़ी असैप्टेंस आ उह अंडर ग्रैजुएट्स दी ज़्यादा है। सो तुसीं किस कैटागरी नूं बिलोंग करदे हो, तुहाडी किस कंट्री लई किहड़ी रिसर्च है, तुसीं किन्नी कु जानकारी रखदे हो और किहड़ियां चीज़ां तुहानूं कलैरिटी नहीं हैगी, सो तुसीं मेरे नाल गलबात कर सकते हो, सो कॉल्स लैनी असीं थोड़ी देर च शुरू कर देवांगे। सो अरविंदर जी जिवें तुसीं जिक्र कीता भी स्टूडेंट दी आ चीज़ भी आ इनटेक भी फुल हो गया, इनटेक फुल हो गया तां कई मेरे अरगे बेचारे महत्तर जिहड़े ओह अजे सोची जांदे होणगे भी असीं आइलस करिए जां पीटी करिए, तां रीसेंटली पास आउट कीती होगी जां कोई क्लासिस लगा रहा होगा भी असीं आइलस करके साडा जनवरी इनटेक हो जूगा। सो अरविंदर जी ओह स्टूडेंट्स जिहड़े अजे भी मतलब ख्यालां दे विच उलझे होए ने भी जाणा तां जाणा असीं यूके जाणा जां असीं कैनेडा जाणा, तां बट अजे भी उलझणां जिहां दे विच। सो कलैरिटी ऑफ थॉट ये बहुत जरूरी है,
सो रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी है। दुनिया के जिहड़े चंगे कंट्रीज़ ने जिथे तुहानू जाना चाहिए उंगलों ते गिने जाते हैं, अमरीका या कैनेडा या आस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड है, यूके है, और एक नवा नाम है जर्मनी है। सो एक गिणती के नाम ने। सो बहुत सारे कंट्रीज़ तुहानू इस टाइम अक्सैप्ट नहीं करते, तुहाडे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वेखो तो तुहाडी अक्सैप्टेंस कित्थे है। नहीं समझ लगती सानू कॉल कर लो, सानू 22-23 साल हो गए इसे काम दे विच, सो असीं तुहाडी असिस्ट कर सकते, तुहानू हैल्प कर सकते, और बहुत हज़ारां ही स्टूडेंट्स जिहड़े ने ओह इस चीज़ का फायदा लैके गए ने। सो साडी जिहड़ी समझ है असीं ओह तुहाडे तक जरूर पहुँचदी करांगे। सो जिन्नियां दुविधा ने ओह भी तुहाडी कलैरिटी करांगे, और एक चीज़ बहुत अहम आ, असीं कॉल्स लैण शुरू करन तों इस तों बाद कॉल्स लैणियां शुरू कर रहे हैं। सो एक चीज़ बहुत अहम आ, अमेरिका दे लई तरीकां खुल गईयां ने, बहुत लंबा समा तरीकां बंद रहीयां ने। सो बहुत लंबा समा तो कुछ हो नहीं रहा सी। सो US दे विच तरीकां दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। सो इस समय जिहड़े बच्चे अप्लाई करदे ने ओह जैन इनटेक दे विच जा पाणगे, जिहड़े टूरिस्ट भी जाना चाहुंदे आ ਉਹ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੋ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 2 ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 83% ਮਾਰਕਸ ਆ। ਓਕੇ, ਕਮਰਸ ਦਾ ਸੇਮ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਹੈਪੀ ਨੂੰ 79। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? विदाउट आयल्स पॉसिबिलिटी काफ़ी घट है, बट स्टिल असी ट्राई कर सकते हैं। सो साढ़े को दो यूनिवर्सिटीज़ ने जिदे विदाउट आयल्स पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो तुम एक कागज़ भेजोगे, उस तो बाद असैसमेंट करके तुम वापस दसना पेगा सो इंग्लिश का लैवल किदा गलबात कर सकते हो अंग्रेजी के। अगर अंग्रेजी गलबात कर सकते हो तो फिर पॉसिबिलिटी हैगी कि असी कर लिए, बट स्टिल तुम मेहनत काफ़ी करनी पेगी। सो बिना आइलेट्स जाना हौली 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 टफ हो ही जा रहा है। ठीक है, ठीक है। सो अपने कागज भेजो, तो असं वापस रिवोर्ट कर दे, तेरे गलबात फिर दोबारा कर दे। ओके जी, शुक्रिया कॉल करने। सो अरविंदर जी, जिवें तुसीं जिक्रता कर दिता कि ऑफिशियली जिहड़ी डेट्स ने US दी आ गईयां ने, बट थोड़ा जिहा ना किते किते एक गल होर वी आउंदी वी US अपॉइंटमेंट तां आ गईयां ने, पर उह थोड़ियां सखालियां नहीं होंगियां, थोड़ियां जिहा मशक्कत करनी पैंदी फिर जाके अपॉइंटमेंट मिलदी आ, तां की इह चीज़ वी हैगी आ जां इह वी पहलां वांग ही जिवें? नहीं नहीं, इत्थे बहुत क्लैरिटी है। तुसीं साडे सोशल मीडिया नूं फॉलो करदे हो तां असीं लगातार तुहानूं अपडेट करदे रहिंदे आ कि US दीयां तरीकां फ्री ने। सो इहदे पैसे नहीं लगदे, इह तुहानूं पैसे दे के नहीं खरीदणी आ। सो अगर कोई तुहानूं कहिंदा कि तुहाडे दे पैसे लगणगे तां तुहानूं तरीक मिलणगी, तां ओह मिलेगी, ओह गलत आ। सो ये फ्री अपॉइंटमेंट्स ने, हुण बहुत सारे अबंडेंस दे विच तुहानूं मिल जाणगियां, तुसीं चाहो तुसीं भी बुक कर सकदे हो जी। तां अरविंदर जी, फिर US दे विच जिवें हुण स्टूडेंट जाणा चाहुंदे ने, कि ग्रैजुएशन वाले ज़्यादा अप्लाई कर सकदे जां कहिड़ा स्टूडेंट दे लई बेस्ट है जिहड़ा ओह US लई अप्लाई कर सकदा? US नूं बेसिकली हर तरहां दे स्टूडेंट्स अक्सैप्ट कर लैंदा, बेसिकली मैच्योर स्टूडेंट्स नूं अक्सैप्ट करदा। सो US विच कोई वहम भरम नहीं हैगे। सो तुहाडी कम्युनिकेशन चंगी होनी चाहीदी, गलबात चंगी होनी चाहीदी, सारे स्टूडेंट्स अक्सैप्ट करदा। जिवें हुण आपां जिक्र करदे सी हुण US दे वीज़े पहलां बहुत टाइम बंद रहे, हुण आखर खुले ने, और अपना पंजाब बहुत ज़्यादा जिहड़ा पंजाब दा यूथ है जिन्हें गलत राह अपनाइयां तां ओह US गया, तां मैं कहिंदा कॉल लैने आपां फिर चर्चा जारी करदे जी। सो कॉल डिस्कनेक्ट, सत श्री अकाल जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई जी। सो जिवें आपां जिक्र करदे सी अरविंदर जी कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने हैना भी गलत रास्ता अपनाया, सो कॉल फिर आ गई है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ US ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਸਰ। ਪਲੱਸ 2 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 60%, ਓਕੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 65% ਨੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 70% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਜੀ ਆਰਟਸ ਮੇਰੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਈਚ, 5.5 ਈਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ 5.5 ਈਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ 5.5 ਈਚ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5.5 ਈਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸੀਬਲੀ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀਟ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਫਿਸਿਸ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
ਸੋ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਲ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ 2019 ਦਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ 2 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ। ਓਕੇ, ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ 60% ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਇਲਸ ਚੋ 6 ਆਏ ਆ, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, 6 ਈਚ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਲ, ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 6 ਈਚ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਸੋ 2019 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂ ਪਲੱਸ 2 ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪਾਊਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿੰਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਫਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਜਾਣੋ ਕਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਪਾਊਸ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਹ ਹੀ ਕਾਲਜ, ਆਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਸੀ। ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਿਮਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਕਸ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਇਲਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਕੀ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5। ਸਿਮਰਨ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਲੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯੂਕੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਛਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਫਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਆ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ। ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਿਆ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2022 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ, 70% ਹੈ। ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰੇ 65% ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਛੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਇਹ, ਟੋਟਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਵੀਜ਼ਾ ਆ। ਔਰ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂ ਐਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸਰ ਮੈਂ ਰੇਡੀਨੋ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਸੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਥਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ। ਜੀ ਰੇਡੀਮਾ, ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
सर मैंने एक्चुअली अभी लास्ट ईयर अपनी प्लस टू पास आउट की है जी 70% मार्क्स के साथ। ओके और सर मैंने आईएलटीएस स्कोर है मेरा 7.5 बैंक ओके लेस देन 6.5। ठीक है दैट्स गुड। तो सर मेरा हो सकता है कनाडा स्टडी के लिए? बिल्कुल हो जाएगा। कोई दिक्कत लास्ट ईयर पास आउट की है अपनी प्लस टू, कोई दिक्कत नहीं। इट्स वेरी गुड प्रोफाइल और वीजा भी आ जाएगा बहुत और बड़े आराम ना मिल जाएगी। हाँ ये हो सकता है उन्होंने जी सीट्स इस टाइम जनवरी दे विच सिलेक्टिव कॉलेज विच मिले बट मई दे लिए आई एम श्योर तुहाडा प्रोफाइल एलिजिबल है। सो मई दे विच ते 100% है। सो जनवरी लिए सानू वेखना जरूर पएगा कि तुहानू सीट्स तुहाडे प्रोफाइल दे अकॉर्डिंग मिल पाउंदियां कि नहीं पाउंदियां बिकॉज़ तुहाडा प्रोफाइल काफी चंगा है। प्लस टू मैं हां जी मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी पास आउट की हुई है प्लस टू। हां साडे को काफी पॉसिबिलिटीज रहणगियां सो फिर भी तुसीं कागज पाओगे तो मैनू उहदे अकॉर्डिंग तुहानू प्रोफाइल दे अकॉर्डिंग मैनू जिहड़ी प्रोग्राम दी अवेलेबिलिटी दसणी पएगी बिकॉज बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैथमैटिक्स चाहिए होंगे है। सो इस करके पेपर भेजो उस तो बाद रिवर्ट करता फिर मैं वापस गल करता। ठीक है सर। ओके मैं डॉक्यूमेंट आपको सेम नंबर पे शेयर। हाँ जी इसी नंबर पर भेज दियो जी। शुक्रिया कॉल करने लिए। ठीक है सर। ओके ओके शुक्रिया। सो जूके का आप जिक्र कर लिया रविंदर जी जिमें चंगे स्टूडेंट के कोल चंगे रिक्वायरमेंट हैगी चंगे बैंड है पर कहें भी असी वधिया यूनीवर्सिटी के जाना तो चंगे कॉलेज के पढ़न जाना तो कि बच्चा यदा फ्यूचर किमें का होगा जाना भी कहें अभी जनवरी इनटेक के हैगा। देखो यूके एक ऐसा डेस्टीनेशन है जिहड़ा रीसेंट समय के सब तो चंगा एस्टैबलिश्ड है। सो अज की डेट में अगर मैं सोचा बाहर जाने की गल तो मैं सिर्फ तो सिर्फ यूके सोचूंगा बिकॉज मिनीम एजुकेशन मैक्सीम चीज़ा तुम्हें मिल रही ने। सो यूके वो जगह आ जिथे तुहाड़ी एजुकेशन की क्वालिटी बहुत इंप्रूवड है और अगर चंगा स्टूडेंट अज दे अज स्टूडेंट जा रहा तो मेरी इको एक जी रिक्वेस्ट है सब दे नाल कि अपनी यूनीवर्सिटी जरूर पूरी करो। सो गो टू योर यूनीवर्सिटी यूनीवर्सिटी खत्म करो यूनीवर्सिटी बाद तुहानू वर्क परमिट मिलता है वो हासिल करो उहदे नाल तुहाड़ी पी आर लिंकड आ। सो पी आर तक का सुपना तुहाडा यूके दे विच बड़े आराम नाल पूरा हो सकता है बट असी शॉर्ट टर्म गेम्स दे विच असी बेसिकली उहनू खराब कर रहे हैं। पिछे जे पार्लीमेंट दे विच एक सवाल आया कि उत्थे उन्होंने एक्सप्लेन करना पिया कि जिहड़े स्टूडेंट्स आ रहे ने उन्हां दे डिपेंडेंट्स की जिहड़ी क्वालिटी आ वह बहुत लो आ वो लो कैलीबर दियां जॉब्स कर रहे हैं। सो जिहदे नाल इकोनमी नूं बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला इहो जिहे बयान का मतलब है कि फ्यूचर दे विच वीज़ाज़ लैना होर टफ हो जाएंगे। 2003-04 तो असीं जदों तों भी काम कर रहे 1999 तो मैं काम कर रहा 2003 दे विच दुनिया का सब तो टफेस्ट वीज़ा यूके हुंदा सी सब तो मुश्किल वीज़ा लैना यूके का वीज़ा हुंदा सी। सो यूके मुड़ उस पासे नूं जा रहा कि वीज़ाज़ नूं तुहाडी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं रहेगा। सो तुहाडे कोल अगर चंगे प्रोग्राम चंगी एजुकेशन है चंगे जिहड़े स्कोरस ने उस तो बाद चंगा तुहाडा आइलट्स का स्कोर है फिर तुसीं अगर जिहड़े यूके दे वीज़ा लओगे यस ये हाले पॉसीबल हैगा। आने वाले समय के जो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है लो प्रोफाइल्स ने बिना आइलट्स ने ये तैनू सुनने नहीं मिलने। हो सकता फ्यूचर के जो स्पाउस वाले केसिज आ उन्होंने भी कितने तंगी आ जाए बिकॉज जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उन्होंने तो यह साफ सिद्ध हो रहा कि फ्यूचर यूके दे विच गड़बड़ हो सकता बट प्रेजेंट यूके दे विच सुनहरा आ। इस तो बेहतर ऑप्शन अज के समय विच अगर आप गिणीए तो कोई हो नहीं सकती। सो अपनी एप्लीकेशनस की एलिजिबिलिटी चैक करो अगर तुहाडी एलिजिबिलिटी बनती है तो यूके की फाइलिंग जरूर करो। सो अरविंदर जी मैं ना लास्ट तक एक जिक्र जरूर करूँगा यूके को लैके यूके दे विच ना कुछ स्टूडेंट्स की कॉल्स आई जह लो भी किदा होया उन्होंने कहा भी सर हूँ यूके दे विच ना जिवें तुसीं क्या फ्यूचर का जिक्र किया कहिंदे भी हूँ ना थोड़ी पी आर औखी होगी स्टडी नूं लैके स्टडी 'च कम ज़्यादा हो गया सो स्टूडेंट का रहना थोड़ा औखा हो गया तो फी वो स्टूडेंट्स फिर कहड़े हुए ने जिहड़े पुट्ठा होया असल बेसिकली पहला यूके दे विच एलिजिबिलिटी कोई पी आर नाम की होंगी नहीं सी। यूके च पी आर तो हुण शुरू हुई है ये 1 जनवरी 2021 का रूल है 1 जनवरी 2021 का ये नवा कानून आया जिदे विच प्रोविजनस आईया स्टूडेंट्स नूं काम करदे अधिकार दिते पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दिते और उस तो बाद पॉइंट बेस्ड इमीग्रेशन चालू की उस तो पहला तो है ही नहीं सी एग्जिस्ट ही नहीं करता सी। सो ब्रैगजिट तो बाद बहुत जोड़े असर दिस रहे हैं तैनू सो गौरमेंट्स तुम वेखो कड़ियाँ क्विकली बदल रही ने। सो यूके दे विच क्योंकि जिड़ी जिड़ी जिन्ना मैन पावर जिन्ना सब कुछ जोड़ा यूरोपीयन यूनियन तो आता सी वो सब बंद हो गया। सो यूके एज ए इकोनमी खुद को स्ट्रोंगली इस्टैबलिश करना पेगा और इस इकोनमी किसी भी मुल्क की इकोनमी मोबिलाइज़ करने का दामा
ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਹੈ ਮਾਦਾ ਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਔਰ ਕਾਲਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, 9168 9168। ਰਾਇਲਸ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।